दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। इसे अभी 6 लेन बनाया जा रहा है, आगे जाकर के इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। इसे बनाने में 36,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। यह मेरठ जिला के बिजोली गाँव से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के जुंदापुर दांदू गांव में खत्म होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का कितना काम पूरा हो चुका है, क्या गंगा एक्सप्रेसवे 2025 के महाकुंभ से पहले बन करके तैयार हो जाएगा, कहां तक इसका काम पहुंचा, आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर के प्रयागराज में खत्म होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से कुल 12 जिले जुड़ेंगे। इस परियोजना पर करीब 36,000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ प्रयागराज कथित तौर पर मेरठ से केवल 8 घंटे की दूरी पर है, फिर भी वाहनों का डिजाइन उन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड से संचालित करने की अनुमति देता है। यह संभव है कि इन परिस्थितियों में मेरठ से प्रयागराज की यात्रा और भी तेजी से पूरी की जा सकेगी। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ देगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी होने वाला है। इसमें टोटल 12 जिले होंगे, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फरक्खाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और लास्ट में प्रयागराज। तो ओवरऑल देखा जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से इन 12 राज्यों को फायदा होने वाला है। इस वाले एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये गंगा के पैरेलल चलता है। जिस तरह से गंगा नदी पूरे उत्तर प्रदेश को पार करती है, ठीक वैसे ही ये वाला एक्सप्रेसवे गंगा नदी के साथ चलता है, इसलिए इसे गंगा एक्सप्रेसवे बोला जा रहा है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे उन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा जहाँ अभी तक एक्सप्रेसवे नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन यह एक्सप्रेसवे विकास के लिए पारिस्थितिक तंत्र को भी बढ़ाएगा और आसपास के जिलों के औद्योगिक और आर्थिक विकास में मदद करेगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे को 12 पैकेज में बांट करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 8 रोड ओवरब्रिज, 8 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, वहीं 12 टोल प्लाजा रैंप भी बनाए जाएंगे। हापुड़ किठोर रोड के साथ अटोला गांव के पास फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो चुका है। एक्सप्रेसवे के लिए अब तक 94% तक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके अलावा गढ़मुतेश्वर में एक और पुल बनेगा जिससे हापुड़ और बुंदेलशहर समेत अन्य जिलों के लोग आसानी से आ जा सकेंगे। जनपद से हापुड़ तक विभिन्न स्थानों पर अंडरपास और ओवरपास का निर्माण 40% पूरा हो चुका है। हापुड़ से किठोर रोड पर ओटाला गांव के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा 25 किलोमीटर से अधिक लंबा मुख्य मार्ग भी तैयार हो चुका है। वैसे तो इस वाले एक्सप्रेसवे को इसी साल दिसंबर के महीने में तैयार किया जाना है ताकि 2025 के महाकुंभ से पहले इस पर लोगों की यात्रा चालू हो जाए। हापुड़ के गढ़ तहसील क्षेत्र के गाँव शंकर टीला से लेकर के गंगा पार पिपलौती गाँव तक 12 लेन का पुल बनाया जा रहा है। गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने वाले 960 मीटर लंबे पुल में कुल 16 खंभे होंगे जिनमें से प्रत्येक के बीच लगभग 60 मीटर का अंतर होगा। हालांकि गंगा के बीच में खंभे का निर्माण वर्तमान उच्च जलस्तर के कारण बाधित है क्योंकि अभी गंगा नदी में काफी ज्यादा पानी आ चुका है, तो इस टाइम खंभों का निर्माण करना काफी मुश्किल काम है। इसके विपरीत परिधि के आसपास खंभे तेजी से बनाए जा रहे हैं। अगर गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ एडवांटेज की बात करें तो गाइस गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी ताकि आपात स्थिति में वायुसेना की जो विमान होती है वो भी उतर सके। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मुख्य टोल प्लाजा प्रयागराज और मेरठ में होंगे। मुख्य टोल प्लाजा के अतिरिक्त 12 और रैम टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे। इस वाले एक्सप्रेसवे पर टोटल 8 रोड ओवरब्रिज, 8 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आने वाले टाइम में गंगा एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेसवे के वजह से प्रयागराज और मेरठ दोनों करीब आ जाएंगे। अभी इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में 11 से 12 घंटे का समय लग जाता है जो कि महज 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसका लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। लैंड एक्वाइजेशन का काम लगभग खत्म हो चुका है, हर जगह पर पुल बनाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होता है या नहीं होता है। कहीं पर हो चाहे न हो, लेकिन प्रयागराज सेक्शन में ये बनकर के तैयार हो जाएगा। प्रयागराज साइड में काफी तेजी से काम चल रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में काफी ज्यादा विकास होने वाला है। इससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। पूरी तरह बन जाने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग बन जाएगा। यह राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगा। अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे के किसी पार्टिकुलर जगह के अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, गंगा एक्सप्रेसवे आने वाले 6 महीना के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही एक्सप्रेसवे हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।